गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम हिमानी त्यागी है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं एक ब्राइडल लुक तैयार ममता मैम के ऊपर हमारे मोदी केयर के अर्बन कलर प्रोडक्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का मेकअप। मैंने सबसे पहले अभी मैम की स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है। मॉइस्चराइज करने से पहले हम इस्तेमाल करेंगे हमारा फ्रूट ऑफ द अर्थ का मिस्ट, यानी कि इससे हमने स्प्रे किया है मैम के फेस के ऊपर। जब तक वो स्प्रे सूख ना जाए अपने आप, आपको उसके ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी है। और जब ये स्प्रे सूख गया, उसके बाद मैंने हमारा एक मॉइस्चराइज़र है अर्बन कलर का, बहुत ही शानदार ये लोशन है। आपको इसको अप्लाई करना है मैम के फेस के ऊपर। थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने लेना है, जिस तरीके से हम क्रीम यूज़ करते हैं। मैं अप्लाई कर चुकी हूँ मैम के फेस पे, यानी कि मैम की जो स्किन है अभी वो मॉइस्चराइज हो चुकी है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है स्किन के ऊपर प्राइमर लगाने का। दोस्तों, ये मोदी केयर का हमारा सेल्फी प्रो प्राइमर है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा और ये आप हर किसी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, प्राइमर का काम क्या होता है? प्राइमर का काम होता है ये हमारी स्किन के ऊपर एक बैरियर बनाता है, यानी कि जब हम मेकअप करते हैं तो हमारे मेकअप को स्मूथ और फ्लॉलेस बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये थोड़ा सा आपने लेना है मैम की स्किन पे, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऐसे, आपने थोड़ा थोड़ा पूरी स्किन पे इसको इस्तेमाल करना है। इससे जो हमारा मेकअप होगा वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, स्किन का जो टेक्सचर है, जिससे कि ये एक तरीके से बैरियर का काम हमारी स्किन के ऊपर करता है मेकअप के और मॉइस्चराइजिंग के बीच में, जिससे कि अगर मेकअप से कोई प्रॉब्लम हमारी स्किन पर हो तो ये बैरियर बन जाता है और जो मेकअप है हमारा उसको स्मूथ करता है। दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आप फेस पे यूज़ करेंगे उसको आपको नेक पे भी यूज़ करना है। तो मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट और लूँगी। हमने जो करना है प्राइमर जो पूरे फेस पे लगाना है उसको बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, ताकि जो मेकअप है वो कहीं से भी अजीब ना लगे। अभी हमने प्राइमर को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है, यानी कि जो हमारा फेस है वो रेडी हो गया है मेकअप के लिए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर का। कंसीलर का बेसिकली हम यूज़ करते हैं अगर हमारे फेस पे कोई स्पॉट है, जैसे कि कहीं कहीं पर मैम के फेस पे स्पॉट है, तो हम उसको यूज़ करेंगे उन स्पॉट को कवर करने के लिए और अच्छी कवरेज देने के लिए। आप इसको एज अ स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ब्रश से भी लगा सकते हैं। मैं भी इसको स्टिक की तरह यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है, आप इसको ईजीली कर सकते हैं। और नेक एरिया पर भी आपको प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, क्योंकि हमें नेक एरिया को भी कवर करना होता है। जब भी आप आंखों के ऊपर कंसीलर लगाएंगे तो आप उंगली का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो अच्छे तरीके से हमारी आईज के ऊपर लग जाए। अब आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से स्पॉन्ज की हेल्प से आपको इसको डैप टैप करके आपने मर्ज करना है। बहुत अच्छे तरीके से इसको सेट करना है। और दोस्तों, आपको डैप टैप करके ही करना है। अगर आप इसको ड्रैग करके करेंगे तो उससे जो आपका मेकअप है वो अच्छा नहीं आएगा, उसका जो लुक है वो पैची हो जाएगा। आपको इसी तरीके से डैप टैप करके इसको सेट करना है। और डैपिंग बहुत अच्छे से करनी है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा फाउंडेशन है, जो कि बहुत ही शानदार फाउंडेशन हमारा अभी नया आया है, उसे मैं यूज़ करूँगी। मैम की स्किन के अकॉर्डिंग शेड नंबर 1 यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर हम एक थोड़ा सा ब्राइडल लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास एक एलिमिनेटर है, वो बहुत ही शानदार क्वालिटी का है। फेस में शाइन के लिए और उसको थोड़ा सा गोल्डन लुक देने के लिए हम इसे फाउंडेशन के साथ मिक्स करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसको मिक्स करना है। आप इसको ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्पॉन्ज से अप्लाई करूंगी। अंडर आई एरिया के लिए हम छोटे स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हैं। आपको फाउंडेशन अच्छे तरीके से लगाना है। अभी मैं सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद डैप डैप करके हम इसको अच्छे तरीके से सेट भी करेंगे, जिससे कि जो हमारा मेकअप है वो बहुत फ्लॉलेस हो, किसी भी तरीके की कोई क्रैकिंग उसमें ना हो, पैची बिल्कुल भी ना लगे। और नेक एरिया पे भी आपने उसको कवर करना है। इस तरीके से हमने डैप डैप करके फाउंडेशन को बहुत अच्छे तरीके से सेट करना होता है। फाउंडेशन का सबसे ज़्यादा कह सकते हो आप लॉन्ग प्रोसेस होता है हमारे मेकअप में, क्योंकि अगर हमारा फाउंडेशन यानी कि हमारा जो बेस है वो ही अच्छे तरीके से सेट नहीं होगा, तो हमारा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा।
ठीक इसी तरीके से हमने नेक एरिया पे कवर करना है डैप डैप करके। अभी हमने फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है, आप देख पा रहे हैं कि स्किन के अंदर, और हमारा जो अर्बन कलर का प्रोडक्ट है वो कभी भी आपको ओवर नहीं लगेगा, इतना शानदार प्रोडक्ट है कि अभी ऐसा लग रहा है कि स्किन पे कुछ यूज़ ही नहीं किया है। यूज़ करेंगे हमारा अर्बन कलर का कॉम्पैक्ट, जो कि हम मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ करेंगे। हमें जब भी कॉम्पैक्ट को यूज़ करना है उसको हमेशा हमने अपर साइड में इस तरीके से ड्रैग करके करना है, कभी भी उसको नीचे की तरफ करके हमने नहीं करना है। अभी हम यहाँ पे अपने फाउंडेशन को लॉक करेंगे, यानी कि उसको बहुत अच्छे तरीके से हम सेट करने वाले हैं। अभी हमने क्या किया, हमने किया फेस पाउडर से, कॉम्पैक्ट से हमने इसको लॉक कर दिया, यानी कि हमने जो हमारा फाउंडेशन था उसको लॉक कर दिया है। ये हमारा मोदी केयर का कॉन्टोरिंग है और हाइलाइटर है, जिसको मैं फेस को कंटूर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। कंटूर उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो करेंगे, हमने ब्लश यूज़ करना है। ब्लशर का हम यूज़ करते हैं चीक बोन्स को हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने अपना पिंक शेड का स्माइल करना जितनी कर सकते हो। यहाँ पर हम ब्लशर का यूज़ करेंगे हमारे चीक्स को हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद हम हाइलाइटर का यूज़ करेंगे, पर हाइलाइटर हम कुछ जगह पे यूज़ करेंगे, यानी कि जो भी हमारी फेस पे, जो भी हाइलाइटिंग की फेस पे हमारी नीड होती है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, आप उंगली से भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा हाइलाइटर है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अभी हमने कॉन्टोरिंग भी कर दी है और हमने ब्लशिंग भी कर दी है और हमने हाइलाइटर का यूज़ भी फेस पे कर लिया। अब हम लगाएंगे आई शेडो, यानी कि अब हम आई मेकअप करेंगे। तो अभी मैम की आई पे हम आई मेकअप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़े से कंसीलर का यूज़ करूँगी। उसके बाद हम आई शेडो का यूज़ करेंगे, जो कि है हमारी पीच कलर की। ये हमने मोदी केयर का आई शेडो यूज़ किया है, जो हमारा पीच कलर का है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारा ग्लिटर आई शेडो, जो मैं बिल्कुल बॉल एरिया पे लगाने वाली हूँ। इसको आप ब्रश से या उंगली से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे हमारा लाइनर। ये है हमारी अर्बन कलर की लिक्विड मैट लिपस्टिक, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट है इसका। कभी भी अब आपने होठों पे अप्लाई करेंगे, लिप्स पे अप्लाई करेंगे, तो ये फटती बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम मार्केट से ब्रशेस वाली जो लिपस्टिक है वो यूज़ करते हैं, उसका जो टेक्सचर है वो फट जाता है। लेकिन हमारी जो अर्बन कलर की लिपस्टिक है, जो कि सुपर मैट है, लिक्विड मैट है, वो बिल्कुल भी फटती नहीं है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे। और ये हमारी ब्राइडल रेडी हो चुकी है। ये है मेरी फाइनल ब्राइड।